हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एस्टिच के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग इनऑर्गेनिक की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का आज इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक में हम लोग का कुछ चैप्टर चल रहा है, यानी पांचवा चैप्टर जो है हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो सोचा गया कि इसी बीच इनऑर्गेनिक को स्टार्ट किया जाए। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इनऑर्गेनिक को भी स्टार्ट कर दीजिए, तो हम लोग आज इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा इसमें चैप्टर रहेगा वो एक बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसी चैप्टर को क्या करना है, हमको पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर हमको लगता है तीसरा या चौथा है, लेकिन हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत आसान है और छोटा है। जल्दी इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। और देखिए, इतना ही छोटे मतलब चैप्टर से आपके 10 नंबर के क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो बहुत ही आसानी से उसको हम लोग डील कर लेंगे और हमारा 10 नंबर क्या हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और इसमें जो आपका पहला टॉपिक है उसको ही डिटेल में पढ़ना है, क्या ब्रॉन्स्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट। देखिए, एसिड क्या होता है, ये सबसे पहले ऑरिनियस ने बताया था कि एसिड वो होता है जो एच प्लस देता हो इक्वस मीडियम में, और बेस वो होता है जो OH माइनस देता हो इक्वस मीडियम में। ये ऑरिनियस की थ्योरी कहती थी। किसकी थ्योरी कहती थी? आरहेनियस की थ्योरी कहती थी। लेकिन इसको हमको नहीं पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में है वो ब्रॉन्स्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट है और आपका जो है लुइस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है, तो इसी चीज को हमको पढ़ना है। लेकिन आरहेनियस ने ये कहा था कि कोई भी सब्सटेंस अगर इक्वस मीडियम में एच प्लस देता हो तो वो हमारा एसिड है, और दूसरा कोई भी सब्सटेंस इक्वस मीडियम में OH माइनस देता हो तो वो हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत ही बेसिक चीज है जिसको आप जानते होंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट और इन्होंने एसिड और बेस के लिए क्या कहा, और एक नई चीज का यहाँ पे क्या हुआ, जनरेशन हुआ, उत्पत्ति हुई इसी थियोरी से, कंजुगेट की। देखिए, इन्होंने ये कहा कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो। क्या करता हो? प्रोटॉन को डोनेट करता हो, ये मतलब प्रोटॉन क्या हो, डोनर हो। और बेस वो है जो प्रोटॉन को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। इनका जो एसिड का कॉन्सेप्ट था तो सेम था आरहेनियस की थ्योरी से, लेकिन बेस का कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो गया। बस इनकी यही थ्योरी थी, बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, एसिड वो है जो एच प्लस डोनेट करता है तो वो हमारा एसिड है, और बेस वो है जो एच प्लस को एक्सेप्ट करता हो तो हमारा बेस है। सपोज करिए कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई एसिड है। चलो HCl ही ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। HCl आप जानते हो ये एसिड है। इसने क्या किया, एच प्लस डोनेट किया और Cl- बना, समझ आ रहा है। ये हमारा HCl एसिड है, इसने अपना H+ दिया और Cl- बना। तो इसने इसको एसिड इसलिए ब्रॉन्स्टेंट ने बोला क्योंकि ये क्या है आपका, इसने क्या कर दिया है, H+ को डोनेट कर दिया है, तो इसलिए हमारा एसिड है। अब यहां से थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कि वो प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा। जो Cl- है ये क्या करता है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं ये जो रिएक्शन है आपका वो रिवर्सिबल है, ठीक है। HCl ने H+ डोनेट किया और Cl- दिया, Cl- ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया तो HCl बन गया। तो ब्रॉन्स्टेंट के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आप क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना H+ डोनेट किया है और Cl- ने H+ को एक्सेप्ट करके HCl बनाया है। तो यहां पे दिक्कत ये खड़ी हो गई कि अब ये दोनों लोगों में ना फाइट होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि HCl ने बोला कि मैंने पहले आया है तब ने मैंने आपको H+ दिया, और Cl- ने बोला कि मैंने H+ को एक्सेप्ट करके आपको HCl बनाया। वही हाल हो गई मुर्गी और अंडे की कहानी, कौन पहले आया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या कि अब यहाँ पे सही बात है, दिमाग से एक सोचना बहुत जरूरी होता है कि यार सबसे पहले HCl बना तब ने इसने H+ दिया होगा Cl-, या एक्चुअली में Cl- H+ को एक्सेप्ट करके HCl बनाया होगा। तो ये दोनों लोगों में फाइट करना शुरू हो गया।
तो बोला गया ये थ्योरी बोल दी गई, चलिए भाई इन दोनों में कोई पहले नहीं आया, दोनों लोग साथ में आए, मतलब यहाँ पे कंजुगेट का नाम दे दिया गया, कंजुगेट, और इसको भी दे दिया गया कंजुगेट, चलिए भाई दोनों लोग क्या हुए साथ में आए। तो इनको बोला गया क्या कंजुगेट एसिड, और इनको बोला गया क्या कंजुगेट बेस। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी के हिसाब से एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता हो, बेस वो होता है जो H+ एक्सेप्ट करता हो। तो चलिए भाई ये जो आपका HCl है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में है, H+ दिया और Cl- बना, तो यह इसको हम लोग इसलिए एसिड बोल रहे हैं क्योंकि इसने अपना H+ डोनेट किया। Cl- को इसलिए हमने बेस बोला क्योंकि इसने क्या कर दिया है H+ को एक्सेप्ट करके Cl बना लिया। तो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हो गई कि दोनों लोग साथ में आए हैं, इसने कहा कि हम पहले आए, इसने कहा हम पहले आए, छोड़ो दुनियादारी, तुम भी दोनों लोग क्या हुए हो साथ में आए हो, तुम भी और तुम भी दोनों लोग क्या हुए साथ में आए हो, तो इसलिए इनको कहा गया कंजुगेट एसिड और यहाँ पे हो गया कंजुगेट बेस। तो इस थ्योरी से कुछ और नहीं, ये भी थ्योरी फेल कर गई, आगे हम लुईस की थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन इस थ्योरी से एक चीज हमको पता चल गया कि हमको कंजुगेट के बारे में समझ में आ गया। तो क्या यहां से हम लोग देखिए, क्या यहां से जैसे कि मान लीजिए अगर HCl लिखा है यहाँ पे और इसने क्या कर दिया H+ दिया और Cl- दिया, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। तो क्या एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रॉन्स कंजुगेट एसिड उसको कहते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करता हो। देखिए ब्रॉन्स्टेड ने एसिड के बारे में कहा था कि जो H+ जुड़ने करता है वो एसिड होता है, बेस वो होता है जो H+ को एक्सेप्ट करता हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत आ गई कि ये प्राथमिकता वाली, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई दोनों लोग को कंजुगेट कर देते हैं, तुम भी और तुम भी दोनों लोग साथ में आए हो। ठीक है, तो क्या हम लोग कंजुगेट एसिड को डिफाइन करने के लिए हम लोग H+ क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, उसको एड कर देंगे, और कंजुगेट बेस को डिफाइन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस से H+ को रिलीज कर देंगे। समझ आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका OH- है, ध्यान से समझिए, ये आपका OH- है, इसका मैं कंजुगेट एसिड पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे, कंजुगेट एसिड में क्या करना है H+ को जोड़ देना है, तो इसका जो OH- का जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा H2O होगा, क्योंकि H+ क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा, और जब इसमें H+ जुड़ेगा, इसमें जब H+ जुड़ेगा तो ये माइनस को खत्म करेगा और बना लेगा H2O। लेकिन इसी चीज का मैं आपको कंजुगेट बेस पूछूं तो कंजुगेट बेस किसको कहते हैं, जिस सब्सटेंस से H+ निकल जाता है, प्रोटॉन निकल जाता है, उसी को तो कहते हैं। तो क्या हम यहां से अगर H+ निकालेंगे तो O पे हमारा क्या आ जाएगा, डबल माइनस आ जाएगा। तो यहां से एक चीज बाहर निकल के आया कि अगर किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दिया गया है, अगर आपको उसमें पूछा जाता है कि कंजुगेट एसिड बताइए और कंजुगेट बेस बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंजुगेट एसिड पूछ रहा है तो उसमें क्या करिए आप H+ को जोड़ दीजिए, अगर उसमें कंजुगेट बेस पूछ रहा है तो आप H+ को क्या करिए घटा दीजिए, बस कहानी यहीं पर आपकी हो जाती है फिनिश। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं H2O, यहां पे लिखता हूं कंजुगेट एसिड और यहां पे लिख देता हूं कंजुगेट बेस, H2O का क्या करना है आपको, कंजुगेट एसिड बताना है, तो H2O में आप H+ को जोड़ दीजिए कंजुगेट एसिड में, तो ये हो जाएगा क्या H3O+, क्योंकि H+ जुड़ा तो प्लस लेके आएगा, इसका कंजुगेट बेस बताना है तो H+ को निकाल दीजिए तो क्या बनेगा OH- बनेगा। ठीक, उसी तरह मैं कहूं NH3 अमोनिया, अगर अमोनिया का कंजुगेट एसिड आपसे पूछता है तो H+ को जोड़ दीजिए तो यहां पे हो जाएगा NH4+, इसी का अगर कंजुगेट बेस यानी H+ निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा NH2-। फिर मैं कहूं चलिए भाई HH4 लिया, इसके ऊपर माइनस है, इसका कंजुगेट एसिड तो H+ जोड़ देना है तो ये हो जाएगा क्या आपका H2SO4, और इसी का कंजुगेट बेस बनाना हो तो H+ निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा क्या HS4 पे माइनस।
अगर मैं कहूँ कि इसी में अगर देखिए, हाँ यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आएगा कि अगर यहाँ पे कोई एफ माइनस है, अगर इसका कंजुगेट एसिड पूछता है तो आप तो इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन को जोड़ दोगे तो एच एफ बन जाएगा। लेकिन अगर इसका कंजुगेट बेस अगर कोई आपसे पूछता है तो वह क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब आपको एग्जाम में केवल यही लाइन तक क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा। बस आपको याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस दिया गया है, अगर उससे आपको कंजुगेट एसिड पूछता है तो आप क्या करिएगा, उसमें एच प्लस को जोड़ दीजिएगा, एच प्लस को जोड़ दीजिएगा। अगर कंजुगेट बेस पूछता है तो उसमें क्या करिएगा, एच प्लस को हटा दीजिएगा। ठीक है, और ये थ्योरी क्या कहती है, एसिड वो है जो एच प्लस को डोनेट करता हो और बेस वो है जो एच प्लस को एक्सेप्ट करता हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांसेट लोरी एसिड बेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि वाटर की, तो वाटर देखो H प्लस डोनेट भी कर देता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, अगर वाटर को डिजॉल्व करोगे पानी में, जैसे इस क्वेश्चन को करा जाए हम लोग, जैसे कि मान लीजिए अगर H2O को दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो एक H प्लस डोनेट कर देगा, तो एक H प्लस डोनेट कर देगा तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो देखो एक H प्लस डोनेट कर दिया तो क्या बनेगा, H3O प्लस और एक डाउ हो जाएगा क्या, माइनस। तो जिसने मान लीजिए इसने डोनेट कर दिया है तो इसको क्या करिएगा आप लोग, एसिड बोल दीजिएगा, और इसने एक्सेप्ट किया है तो इसको आप लोग बेस बोल दीजिएगा। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग। ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और क्या होता है बेस। सिंपल सा है, जो H प्लस डोनेट करता हो उसको एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिससे कि बहुत सारे को एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लो अगर दो मोल ऑफ अमोनिया को ही आपस में रिएक्ट करवाते हो, दो मोल ऑफ अमोनिया को, तो एक अपना H प्लस डोनेट करेगा, तो एक अपना H प्लस डोनेट करेगा तो अमोनियम आयन बना लेगा और एक NH2 माइनस बना लेगा। ठीक है, तो ये डोनेट किया तो इसको कह दीजिए आप लोग एसिड, और इसने एक्सेप्ट कर दिया है तो इसको आप लोग बोल दीजिए क्या, बेस। ठीक, तो यही बहुत सीधा सा है। और इस थ्योरी से एक चीज का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल गया है, कंजुगेट एसिड और बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से आपके एग्जाम में केवल दो तीन नंबर के क्वेश्चन यही आ सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे, आपको उसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बताना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर हमको रिप्लाई करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और अगले वीडियो में हम लोग लुईस थ्योरी के साथ मिलेंगे और देखेंगे कि लुईस थ्योरी क्या कहती है और उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर।